Hi friends, welcome to my today's series. Today we will do the mental maths of chapter number 12, volume and surface area of maths with dynamical learning, book 83 West edition of practice section. Okay, so friends, let's start. Okay, so friends, अभी मेरा first question है. The volume of a cube with total surface area of 486 सेंटीमीटर के स्क्वायर इज. सो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताना जिसका टोटल सरफेस एरिया हो 486 सेंटीमीटर के स्क्वायर. सो टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a की स्क्वायर. सो 6a की स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी, 486. सो a की स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 486 अपॉन 6, जो क्या देगा, a की स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगी, 81 के. सो अकेला a की स्क्वायर आ जाएगा, यानी 81 का स्क्वायर रूट. सो आ जाएगा 9. a आ जाएगा 9 की इक्वल. वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे होती है, a की क्यूब. सो 9 के क्यूब कितनी हो जाएगी, 729 सेंटीमीटर के क्यूब. सो इसका आंसर है, यहाँ पर जो डैश है वहाँ पर आएगा 729 सेंटीमीटर की क्यूब. द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 2x डैश. सो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जिसका एज 2x हो, हमने वो बता रहा है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a की क्यूब. सो 2x की क्यूब किसकी इक्वल हो जाएगी, 8x की क्यूब के. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. सब देखो, नंबर 3 में क्या है, द नंबर्स ऑफ क्यूब्स ऑफ एज 10 सेंटीमीटर दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ क्यूब ऑफ एज 1 मीटर. सो ये 1 मीटर वाले क्यूब में हमने फाइंड करने कितने आ सकते हैं. सो लेट्स फाइंड इट. वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर क्यूब वो आ जाएगा इक्वल 10 की क्यूब के और सेंटीमीटर के क्यूब के. सो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब. अब देखो ये तो उतना ही आ चुका है. अब आगे वॉल्यूम ऑफ लार्जर क्यूब आ जाएगी 100 की क्यूब सेंटीमीटर के क्यूब. सो ये अब अगर एक दूसरे के अपॉन कर दे, सो ये बच जाएगा 10 ओवर 10 की पावर 3. सो देखो पावर तो उतनी रहेगी. अब यहाँ पर कट ओवर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 3 अकेला बच जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा, 1000. सो 1000 क्यूब आ सकती है ऐसी. अब हमारा फोर्थ वाला है, फोर्थ क्वेश्चन. If 3 cubes each of the side 8 centimeter are joined end to end, the total surface area of the resultant solid will be. So हमने बताना है कितना उसका total surface area होगा. Length of cuboid 8 plus 8 plus 8, जो कितना हो जाएगी, 24 centimeter. Breadth हो जाएगी 8 centimeter, height हो जाएगी 8. So area of cuboid 2 multiply length breadth plus breadth height plus height length. So ये हो जाएगा 2 multiply 24 multiply 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 24. सो ये देगा 2 मल्टीप्लाई 192 प्लस 64 प्लस 192, जो कितना देगा, 2 मल्टीप्लाई 448 एंड हमारा आंसर आ जाएगा 896 सेंटीमीटर के स्क्वायर. सो डैश की जगह पर आ जाएगा 896 सेंटीमीटर की स्क्वायर. ओके सो फ्रेंड्स, अभी मेरा फिफ्थ क्वेश्चन है. द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 182 मीटर की क्यूब. द लेंथ एंड ब्रेथ आर 8 मीटर एंड 6.5 मीटर रिस्पेक्टिवली एंड द डेप्थ इज. तो हमने डेप्थ फाइंड करनी है. सो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक 182 मीटर की क्यूब. लेंथ इक्वल हो जाएगी 8 मीटर के, ब्रेथ इक्वल हो जाएगी 6.5 मीटर के. डेप्थ हमें पता नहीं है, अननोन मानेंगे उसको. वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर टैंक लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट. सो 182 किसके इक्वल हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 6.5 मीटर मल्टीप्लाई एक्स. सो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई 6.5 अपॉन 182. सो ये हो जाएगा 52 अपॉन 182 इज इक्वल टू 3.5 मीटर. सो अब देखो डायगनल ऑफ बॉक्स, उस बॉक्स का डायगनल. अब इसका रूट फाइंड करनी होगी, लेंथ की स्क्वायर प्लस ब्रेथ की स्क्वायर प्लस हाइट की स्क्वायर. 12 की स्क्वायर प्लस राइट की स्क्वायर प्लस 8 की स्क्वायर, उसकी रूट 144 प्लस 81 प्लस 64 आ जाएगा 289. सो इसकी रूट हो जाएगी 17. ओके सो फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है 17th क्वेश्चन. द नंबर ऑफ लेटरल फेसेस ऑफ अ क्यूब इज. सो जो लेटरल फेसेस होते हैं क्यूब के, वो कितने नंबर होते हैं. सो इसका आंसर आ जाएगा 4. 8th क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज डायमीटर इज इक्वल टू इट्स हाइट इज. सो इसका आंसर है 2πr की स्क्वायर. 9th क्वेश्चन, अ क्यूब हैज डैश डायगोनल्स. सो एक क्यूब के कितने डायगोनल्स होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 4. 10th क्वेश्चन, द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द फेसेस ऑफ क्यूबॉइड इज द डैश ऑफ द क्यूबॉइड. सो इसका आंसर आ जाएगा लेटरल सरफेस एरिया. ओके सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को इतना ही. मैं आपसे कॉल करेक्शन हो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग.